हेलो एवरीवन, आप कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। लॉकडाउन तो बढ़ता जा रहा है, इसकी तो आपको अभी आदत हुई होगी, और हमारे लिए यही अच्छा है कि इसको फॉलो करें और बाहर भी जाए तो प्रिकॉशन के साथ जाए। जब तक ये कोरोना नाम का दुश्मन हमारी ज़िंदगी में है, हमको खुद को और अपने साथ रहने वाले अपने लोगों को सबको संभालना है और केयर करना है। तो चलिए, मैं आज आपके साथ एक नॉनवेज डिश की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये है प्रॉन्स कोल्हापुरी मसाला। ये मसाले में आप आलू भी बना सकते हैं, सोया वड़ी भी बना सकते हैं। और तो चलिए, जो इंग्रेडिएंट्स है बताती हूँ। एक बड़ा प्याज लिया है मैंने, प्याज को काटने के पहले भी धो लिया था मैंने। और सूखा नारियल है, सूखा नारियल को भी धो के पोंछ के फिर कट किया है। ये आधा नारियल जो होता है उससे भी आधा है ये, और कुछ मसाला बचेगा तो मैं फ्रिज में रख दूंगी। तो कभी ज़्यादा मसाला भी पड़ा तो आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भी अच्छी तरह भूनना है हमें गोल्डन ब्राउन। और ये कश्मीरी चिली पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, स्वादानुसार नमक, और ये कोकम है, इसमें कोकम का स्वाद बहुत अच्छा देता है। और काली मिर्च है, काली मिर्ची का थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा है क्योंकि ये कश्मीरी चिली पाउडर है और ये डिश में काली मिर्ची का फ्लेवर थोड़ा सा ज़्यादा आता है। तो आपको अगर ये ज़्यादा लगता है तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और बघार के लिए जीरा और एक कड़ी पत्ता है जो मेरे विंडो गार्डन का है, छोटा सा पत्ता। तो चलिए, मैं एक खोपरा सूखा नारियल, खोपरा जो भी आप कहते हो इसको, आप इसमें गीला भी नारियल ले सकते हो, लेकिन सूखे नारियल का स्वाद अलग आता है और गीले नारियल का अलग आता है। तो ये दोनों भी गोल्डन ब्राउन भून के मैं आपको मिलती हूँ। तो प्रॉन्स है और मैंने इसको बहुत अच्छे से धो दिया है, नमक के पानी में भी भिगो के रखा था। और देखिए, इस तरह सूखे नारियल और प्याज को मैंने गोल्डन ब्राउन अच्छे से भून लिया है। आप बिरयानी को प्याज भूनते हो ना, उसी तरह से गोल्डन ब्राउन भूनना है। अभी इसमें लहसुन की कलियाँ, मैं लहसुन बोलना भूल गई आपको, लहसुन की 8-10 कलियाँ, काली मिर्च, इनको साथ में मिक्सर में पीस लूँगी। देखिए, मसाला इस तरह मैंने पीस लिया है। आप हो सके तो सूखे नारियल को कद्दूकस करके भूनिए, अगर आप पीसेस करेंगे तो मिक्सर को भी बहुत तकलीफ होती है पीसने के लिए। तेल में करी पत्ता और जीरा डाल दिया है, मसाला भी डाल देंगे। देखिए, मसाले में मिर्च पाउडर और नमक, कोकम, हल्दी पाउडर, नमक सब डाल के अच्छे से थोड़ी देर तक भूनना है। ज़्यादा नहीं भूनना क्योंकि ऑलरेडी हमने भुना हुआ मसाला बनाया है। महाराष्ट्र में इसको कांद्या खोबऱ्याचा मसाला कहते हैं। तो थोड़ा सा भूनेगा फिर हम प्रॉन्स डाल देंगे। और इसको हम ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तुरंत हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, आप पानी आपके ग्रेवी के हिसाब से डाल सकते हो। आपको सूखा चाहिए तो सूखा रख सकते हो, थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए तो ग्रेवी। तो थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा के इसको छोड़ देते हैं। देखिए, मसाला अच्छे से भून चुका है और अभी तेल छोड़ रहा है मसाला। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और 2 मिनट के लिए पकने छोड़ देते हैं। हमारा कोल्हापुरी प्रॉन्स मसाला बिल्कुल तैयार है। मैंने हरा धनिया पत्ती भी थोड़ी सी डाल दी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी मच, आप सबका दिल से शुक्रिया। और ये प्रॉन्स के साथ आप हो सके तो
कोकम कड़ी होती है जिसको सोल कड़ी कहते हैं, जो नारियल के दूध से कोकम डाल के बनी होती है, वो लीजिए। नहीं तो नींबू शिकंजी, नींबू की शिकंजी ले सकते हैं आप, आम का ग्रीन आम का पन्ना ले सकते हैं, क्योंकि प्रॉन्स गर्म होते हैं, तो साथ साथ में आपको कुछ ठंडी चीज़ लेनी है। तो चलिए मिलती हूँ अगली रेसिपी में, घर पर ही रहिए, स्वस्थ रहिए।